दक्षताभ्यास 9 का पहला सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है 4a-12। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 4 × a और यहाँ पर लिखा है 4 × 3। तो अब देखिए कॉमन कितना है, 4 कॉमन है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो जब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बचा a और इसमें कितना बचा 3, यानी 4 = 4a-3, ये हमारा गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं, अगर सी कॉमन ले लेंगे तो a-b बचेगा, तो यहाँ पर a-b नहीं बचेगा। तो ऐसा करते हैं इनको पद चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ac और ये प्लस का c इसके साथ ले लें, और यहाँ पर क्या करें, ये जो bc लिखा है इसको हम bc लिख लें और ये माइनस का bc लिख लें। अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन कितना है c, तो c कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा a प्लस, इसमें a बचा और इसमें कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यानी a+1। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें bc पूरा टोटल कॉमन है, तो अगर हम bc इसमें टोटल कॉमन ले लें तो इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा, और यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। अब 0 की जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया c a+1 और ये प्लस कितना, ये 0, यानी ये वाला हमारा सिर्फ आंसर हो जाएगा। या हम इसको दूसरी भी इससे हल करते तो यहाँ पर बी सी डायरेक्ट हमारा कट जाता है, ये प्लस का बी सी, ये माइनस का बी सी, तो हमारा बचता सिर्फ ac+c, जिसमें c कॉमन हो जाता तो इसमें a बचता है, इसमें प्लस का 1, ये भी हमारा आंसर सही है। देखिए सेम वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर है हमारा 36, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 4 और ये 9 × 5, तो इसमें कॉमन कितना है, 9 कॉमन मिल जाएगा, यानी हम इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन है, पी, देखिए यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, तो 9p कॉमन ले लेंगे। अब जब इसमें 9p कॉमन ले लिया तो बचा क्या, देखिए 36 था तो 9 कॉमन निकल गया, यानी कितना बच गया 4, और पी तो कॉमन में आ गया, प्लस के इसमें देखते हैं इसमें क्या बचा, 9 कॉमन निकल गया यानी कितना बचा 5। अब देखिए यहाँ पर पी कितने हैं, 3, तो कॉमन यानी बाहर कितना निकाला गया 1, तो कितना बचा भी, यानी 2 बच गए, यानी 2 हमारे बच गए। फिर इसी प्रकार हम पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, y² - 8ay, तो देखिए इसमें एक वाई है, इसमें एक वाई है, तो वाई जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितने वाई थे, 2, यानी कितना बचा भी 1 बच गया वाई, माइनस इसमें 8a, वाई तो बाहर निकल चुका, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, इसमें कॉमन कितना है 7, कितना कॉमन है हमारा 7, तो जब हम 7 कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बचेगा a, और इसमें कितना बचेगा हमारा b, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसका पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, तो देखिए 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 × 15 = 45 होता है, यहाँ पर 3 × 6 = 18, तो जब 3 कॉमन ले लेंगे और क्या चीज़ है जो दोनों तीनों में है, a है यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी, यानी 3a कॉमन ले लेंगे, तो बचा कितना हमारा, 3a कॉमन हो गया, तो देखिए 3 तो निकल चुका है, यहाँ पर क्यूब था यानी 3 3 थे, अब हमारा 1 निकल गया यानी स्क्वायर बच गया, और x भी बच गया, माइनस इसमें देखिए 3 निकल गया तो कितना बचा 15, 1a निकल चुका है 1a और 2 था यहाँ पर, तो कितना बचा भी 1, अभी ये बच जाएगा और ये x, माइनस इसमें देखिए 18 था तो 3 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचा 6, और a तो कॉमन में निकल चुका, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 3x-15yx 5a-1, पॉइंट नंबर पहला, तो देखिए यहाँ पर कॉमन कितना है, देखिए यहाँ पर x लिखा है और इसमें 3 लिखा है, इसमें जो 15 लिखा है, ये मतलब 3 × 5 = 15 होता है, तो कॉमन कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर कितना बचा, जब कुछ नहीं बचता तो कितना बच जाता है 1, क्योंकि 1 इसके गुणे में होता है, माइनस का कितना बचा, यहाँ पर 3 निकल चुका है 15 में से, 3 × 5 = 15 यानी 5 बचा, और ये x निकल गया यानी y बचा, 1 − y / 5y-1। अब ध्यान रखते हैं, देखिए यहाँ पर जो लिखा है सेम यहाँ पर लिखा है, बस क्या है निशान चेंज है, यहाँ पर 1 प्लस का, यहाँ पर 1 माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, यानी विपरीत है, तो ऐसा करते हैं इसमें माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो चाहे ऊपर वाला बदल लें या नीचे वाले को हम बदल लेते हैं, ऊपर वाले को ऐसे लिख लिया, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस आगे लगा लेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का था किसका हो गया प्लस का, और ये जो प्लस का था ये किसका हो गया माइनस का, अब ये हमारा जाएगा कट, तो आंसर में आ गया ये माइनस का 3x। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं इसमें कॉमन कितना है, देखिए ए बी यहाँ पर भी ए बी ए बी, तो ए बी जब हम कॉमन ले लेंगे यानी एक ए निकाल लेंगे एक बी,
तो एक ए और एक बी निकल गया, तो इसमें क्या बचा, 2a था, तो यानी अभी एक ए बच गया। प्लस का इसमें देखिए क्या, ए और बी निकल गया, तो यहाँ पर बी कितना था, 2, तो एक बी फिर भी बच गया। बटे में कितना है, ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी कट गया, हमारा आंसर आ गया ए बी। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट, तो देखते हैं कॉमन कितना है। देखो एक्स एक्स स्क्वायर यानी 2 यहाँ पर निकल सकते हैं, 2 यहाँ से भी निकल सकते हैं, 2 यहाँ पर भी, और 2 देखिए 8 लिखा है, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 3 6, यानी 2 निकल आएगा और एक्स स्क्वायर प्रत्येक में से कॉमन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा, 2 3 6 यानी 3 बचता, 2 × 3 लिखते हैं इसको, और एक्स की यहाँ 4 लिखा है, यानी एक्स की यहाँ 2 निकल गया, तो कितना बचा अभी, एक्स स्क्वायर बच गया। प्लस यहाँ पर 10 लिखा है, इसको लिखेंगे 2 × 5, तो 2 जब निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 5 एक्स क्यूब है, और एक्स की घात कितनी, 2 निकल चुका है, तो कितना बचा अभी, 1। अब यहाँ पर देखते हैं 8 लिखा है, तो 2 चक्कू 8, तो 2 बाहर निकाल दो, कितना बचा, 4, एक्स स्क्वायर तो कॉमन ऑलरेडी निकल चुका है, बटे में कितना लिखेंगे, 2x², तो ये हमारा कट गया, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3x² + 5x + 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का पहला, देखिए एक्स वाई, तो पहले ब्रैकेट खोल देंगे, तो हो जाएगा एक्स वाई, और इसमें जब गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड स्क्वायर, प्लस जब एक्स वाई की इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर जेड ए और माइनस का वाई स्क्वायर जेड ए। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो पहला पद है लास्ट वाले पद के साथ रख लेंगे, अभी क्यों रखेंगे ये भी आपको पता चलेगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का वाई स्क्वायर जेड ए प्लस का ये तीसरा और चौथा पद, यानी दूसरा और तीसरा आसपास रख लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई यानी जेड ए जेड ए। अब देखते हैं इसमें अब हमारा कॉमन जो बन जाएगा ओवेनिस्ट पद आ जाएंगे, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये एक तो वाई है और दूसरा है जेड, वाई जेड, जब हम वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बचा, एक तो ये एक्स बचा और दूसरा इसमें जेड बच गया, माइनस इसमें क्या बचा, वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 है, यानी एक वाई बचा एक ए बचा, प्लस का इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है ए कॉमन है, तो एक्स और ए जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बचा, एक तो ये वाई बचा, इसमें डबल ए है तो यानी वाई ए बचा, और माइनस का इधर कितना बचा, एक्स ए निकल चुका, यानी एक एक्स बचा एक जेड बचा। अब देखिए ध्यान रखते हैं, यहाँ पर देखिए वाई ए माइनस एक्स जेड है और यहाँ पर उल्टा है, एक्स जेड माइनस ए ए वाई ए है, तो ध्यान रखते हैं या तो फिर एक पद बनाना होगा, तो देखिए वाई जेड लिखेंगे एक्स जेड माइनस वाई ए, तो इसमें जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये निशान और ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा एक्स ए, तो ये जो माइनस का था ये हमारा प्लस का हो गया, जो प्लस का था ये हमारा माइनस का हो गया। अब देखते हैं ये जो पद है हमारा कॉमन है, तो लिखेंगे एक्स जेड माइनस वाई ए, कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बचा वाई जेड और इसमें कितना बचा माइनस का एक्स ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर ये जो पी क्यूब लिखा है और फिर जो माइनस का पी स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिख लेंगे, फिर देखिए पी माइनस क्यू लिख लेंगे यानी प्लस पी माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, पहले अगर इसको लिख लें या पहले इसको लिख ले, तो पहले माइनस का पी क्यू लिख लेंगे फिर प्लस का क्यू लिखेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर, तो इसमें 2 निकल गया, कितना बचा भी, पी की घात 1 माइनस यहाँ पर पी स्क्वायर कॉमन निकल गया, कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे 1, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, कुछ भी ना बचे तो 1 बचता है, तो जब हम 1 कॉमन ले लेंगे तो पी माइनस 1। अब इसमें कॉमन कितना है, ध्यान रखिए क्यू तो कॉमन है और ये माइनस का पी आएगा और प्लस का 1 आएगा, लेकिन हमको लाना है माइनस का 1 प्लस का पी, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का क्यू, तो यह जो माइनस का आना चाहिए था वो किसका आ जाएगा, प्लस का, जो यहाँ पर प्लस का आना था 1, कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब देखते हैं पी माइनस 1 पी माइनस 1 पी माइनस 1 प्रत्येक के में कॉमन है, तो पी माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कितना बचा पी स्क्वायर, इसमें कितना बचा प्लस का 1, इसमें कितना बचा माइनस का क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं, 2ab² माइनस aby प्लस 2cby माइनus cy a² तो देखते हैं हम इसके साथ
पहले लिख देते हैं 2ab स्क्वायर, और ये जो लास्ट वाला पद है यहाँ पर लिख लेंगे cy स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, हम इन पदों को लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कॉमन कितना है, सिर्फ ए का ए वाई कॉमन है, कितना कॉमन है हमारा cy स्क्वायर 2ab स्क्वायर। और फिर तीसरा पद यहाँ पर लिख लेंगे 2cby, प्लस का माइनस का ab y और माइनस का cy स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें कॉमन कितना है, b कॉमन है दोनों में और 2 कॉमन है, तो 2b कॉमन ले लेंगे, तो 2 और b निकल गया, तो इसमें कितना बचा a, और यहाँ पर डबल है b, तो ये एक b बच जाएगा, इसमें 2b निकल गया, यानी कितना बचा cy। अब इसमें क्या कॉमन है, y, माइनस का y कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना बचा हमारा ab, कितना बचा ab, और इसमें कितना बचा y, सिर्फ कॉमन हुआ है, तो प्लस का cy, क्योंकि माइनस दोनों में से कॉमन हो चुका है। तो अब ये आ गया हमारा ab + cy एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिखेंगे 2b - y, इसमें 2b बचा, इसमें y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, x² + y³ + xy y + 1, तो इसका हम लिखेंगे x² + y³, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा xy² + xy। फिर क्या करेंगे, हम लास्ट वाले पद को इसके पास लिख लेंगे, यानी x² + xy + y³ + xy²। तो देखते हैं इसमें कॉमन कितना है, तो हमारा x कॉमन है, तो कितना बचा x + y। इसमें कॉमन कितना है, y² कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचा y, और इसमें बचा x। अब ये जो x + y और यहाँ पर y + x, ये सेम है, क्योंकि क्रम चेंज भले ही है लेकिन सेम है, तो x + y हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कितना बचा x + इसमें कितना बचा y² ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब देखिए गुणनखंड की सहायता से, तो देखिए जो 72 है हमारा, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हम 72 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कितना बचा 23, और इसमें कितना बचा प्लस का 77, तो ये हो गया हमारा 72, और 23 और 77 कितना होता है 100, तो 72 की 100 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7200। इधर देखते हैं तो 25 जो है हमारा, प्रत्येक यानी तीन पद है, एक ये पद, एक दूसरा, ये तीसरा, तो जिसमें 25 प्रत्येक में हमारा कॉमन है, तो हम 25 जब निकाल लेंगे तो ये आ गया हमारा 56 इसमें बचेगा, इसमें माइनस का 39 बचेगा, और इसमें माइनस का 17 बचेगा। तो अब देखते हैं 25, 56 - 39 और 17 कितना होता है हमारा 56 ही होता है, तो 56 में से 56 गया 0, तो 25 × 0 यानी कितना आंसर आ जाएगा 0। कुछ पॉइंट नंबर 3, देखिए अब यहाँ पर टोटल पद है हमारे 4, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे अब यहाँ पर 27 लिखा है, यहाँ पर 27 है लेकिन अन्य पदों में नहीं है, तो ऐसा करते हैं पहला और तीसरा पद एक पास लिख लेते हैं, 27 × 47 + 27 × 53, और बाकी ये जो दो पद हैं इनको एक पास में लिख लेते हैं, 55 × 8 + 45 × 8। अब देखिए यहाँ पर कितना कॉमन है हमारा 27, कितना कॉमन है 27, तो 27 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचा यहाँ पर 47, इसमें कितना बचा 53, प्लस इसमें कॉमन ले लेंगे तो कॉमन कितना आ जाएगा हमारा 8 कॉमन है, तो इसमें कितना बचा 55, और इसमें कितना बचा 45। अब देखते हैं 27 × 47 और 53 कितना होता है 100, प्लस 55 और 45 कितना होता है 100, तो 27 की 100 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2700 यानी 2700, प्लस जब 8 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 800, तो यानी इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 3500, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5, व्यंजक m² - mn + 4m में क्या जोड़े कि m - n उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो जाए, यानी m² - mn + 4m कह रहा है इसमें क्या जोड़ दें कि m - n गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो जाए। तो देखिए यह इसमें कॉमन क्या है, देखिए यम कॉमन है, कितना कॉमन है यम, तो यह हमारा आ गया m - n। अब इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए हमको यम लाना है, क्या लाना है m - n लाना है, तो यहाँ पर जो होगा माइनस का 4n² हमको
जोड़ना होगा। तो देखिए हम जब इसमें फोर कामन ले लेंगे, फोर फोर कामन ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, फोर एम स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का फोर एन। तो देखिए जब चार कामन ले लेंगे तो कितना बचा यहाँ पर एम, और यहाँ पर माइनस का एन, माइनस का एन। अब ये जो हमारा एम माइनस एन है ये कॉमन हो जाएगा एम प्लस फोर, यानी एम माइनस एन क्या हो जाएगा, कॉमन। कॉमन को कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये हमारा एम माइनस एन अब गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो हमने जोड़ा कितना, हमने जोड़ा है माइनस का फोर एन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर छह, यूटी प्लस, देखिए यहाँ पर इसका मतलब कह रहा है कि यहाँ पर कितने पद है, दो, एक पद ये है एक पद ये है। तो हमारा आ गया है यू प्लस ए टी। तो इसमें कह रहा है यहाँ पर एक पद, यानी कौन सा पद कॉमन लिया गया जो यू प्लस ए टी आ गया, और यहाँ पर कौन सा पद था। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यू बचा, यानी यहाँ पर यू टी है, तो यानी कौन सा पद कॉमन लिया गया है, टी। अब टी जब कॉमन लिया, टी से जब इसमें गुणा करा दे तो कितना हो जाएगा, यू टी हो जाएगा। और जब टी में इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा ए टी स्क्वायर। अब देखिए इसमें दो पद हो गए तो इसमें कॉमन कितना है, टी। अगर टी कॉमन ले लें तो इसमें कितना हो जाएगा, यू, और इसमें कितना हो जाएगा, ए, और एक टी कॉमन हुआ तो यानी यू प्लस ए टी। ये हमारा पहला वाला पूर्ण हो गया। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, ए क्यूब माइनस, यहाँ पर खाली जगह छूटी है, माइनस का ए बी प्लस बी क्यू बराबर ए स्क्वायर माइनस बी। देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट वाला चीज दिया हुआ, यानी इसका मतलब कह रहा है कि ए स्क्वायर जो है कॉमन लिया गया होगा इसमें कहीं। तो ए क्यूब है इसमें, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया गया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए स्क्वायर। और क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना, तो ए स्क्वायर तो हमारा आ गया, फिर क्या करेंगे हम। अब देखिए हमारा जब ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा, ए स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचा कितना, इसमें कितना बचा ए, तो हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा हमारा ए। अब फिर अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर लाने के लिए हम इसमें ध्यान देंगे, तो इसमें कॉमन कितना ले लेंगे, बी। कितना ले लेंगे कॉमन, बी। तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का ए, और यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर। तो ध्यान रखते हैं यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे माइनस का, माइनस का कॉमन ले लेंगे, माइनस का बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, माइनस का बी स्क्वायर। तो माइनस का जब हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कैसे, इसमें हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारा कितना आ गया, ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हमने ए कॉमन लिया, वो भी किसका, ए कॉमन लिया तो बी माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड नंबर कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं थर्ड नंबर, तो देखिए यहाँ पर लिखा x प्लस टू एक्स वाई प्लस तीन वाई स्क्वायर तीन एक्स। तो इसमें कह रहा कौन से पद कॉमन लिया गया, देखिए यहाँ पर x लिखा है तो कितना कॉमन लिया गया, तीन एक्स, तीन एक्स कॉमन लिया गया। देखिए तीन एक्स इसमें गुणा कराएंगे तीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें गुणा करेंगे तीन दूनी छः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और तीन तीन नौ एक्स वाई स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट हो गया दक्षता अभ्यास नाइन द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।